हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, भारतीय रेलवेज़ के नेटवर्क में चलने वाली ट्रेन्स में थर्ड एसी और फर्स्ट एसी के कोचेस होते हैं। बहुत सारे पैसेंजर जानना चाहते हैं कि इन कोचेस में क्या अंतर होता है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट एसी और थर्ड एसी कोच में क्या अंतर होता है इसके बारे में बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे प्यार भरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बात करें फर्स्ट एसी कोच के सीट कंपोजिशन की, तो इसमें कैबिन और कूपे होता है। कैबिन जो होता है इसमें चार सीट्स रहते हैं, लोअर अपर, उसके अपोजिट सेम लोअर अपर, और इसमें चार पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। और वहीं पे बात करें कूपे की, कूपे में दो सीट्स होते हैं, लोअर और अपर। कूपे दो पैसेंजर्स के लिए बेस्ट होता है, यानी कि कपल अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो कूपे में टिकट बुक करके आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। और इसमें दरवाज़ा होता है, आपका कैबिन हो या कूपे हो तो यात्रा के दौरान दरवाजा बंद करके ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं पे बात करें अगर थर्ड एसी की, तो थर्ड एसी कोच के एक कैबिन में टोटल आठ सीट्स होते हैं, लोअर मिडल अपर, उसके ऑपोजिट लोअर मिडल अपर, और साइड में दो सीट्स होते हैं, साइड लोअर और साइड अपर। फर्स्ट एसी कोच में जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो आपका प्राइवेसी मेंटेन रहता है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं आता है। आप यात्रा के दौरान इसका जो गेट रहता है उसको बंद करके आराम से यात्रा कर सकते हैं। जब भी आप फर्स्ट एसी कोच के कैबिन में या कूपे में ट्रैवल करेंगे तो इसमें आपको लिनन सर्विसेज मिलेगी, जैसे कि कंबल, चादर, बेडशीट और तकिया। आपका कैबिन हो या फिर कूपे हो, इसमें एक मिरर है, एक साइड टेबल है जहाँ पे आप अपना खाना रख के खा सकते हैं, मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, लोअर सीट के नीचे आप अपना लगेज रख सकते हैं, और सीट के नीचे एक टेबल रहता है जिसको निकाल के आप उस पर अपना खाना रख के खा सकते हैं। फर्स्ट एसी कोच में एक बेल दिया गया रहता है, अगर यात्रा के दौरान आपको किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है तो आप बेल प्रेस करके स्टाफ को बुला सकते हैं। और अपर बर्थ पे जाने के लिए एक सीढ़ी दी गई है, आप देख सकते हैं वीडियो में, उस सीढ़ी पे चढ़ के कंफर्टेबली आप अपर बर्थ पे अपने जा सकते हैं। आपके सीट के साइड में रीडिंग राइट्स लगे रहते हैं जिसको ऑन करके आप बुक्स और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट एसी कोच में साइड लोअर और साइड अपर बर्थ नहीं रहता है। इसका जो पैसेज दिया गया आप वीडियो में जो देख रहे हैं उसके थ्रू आप अपने कैबिन या कूपे में जाते हैं। वहीं पे अगर बात करें थर्ड एसी कोच की, तो जब भी आप थर्ड एसी कोच में ट्रैवल करेंगे तो इसमें भी आपको लिनन सर्विसेज मिलेगी, जैसे कि कंबल, चादर, बेडशीट और तकिया। आपके मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। आपके कैबिन में मिरर दिया गया है, एक रीडिंग लाइट्स है जिसको ऑन करके बुक्स और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप। एक साइड टेबल दिया गया है जहाँ पे आप अपना खाना रख के खा सकते हैं। आप अपना लगेज लोअर सीट और साइड लोअर सीट के नीचे रख सकते हैं। इसके जो विंडोज़ है वो बड़े रहते हैं और उसके ऊपर कर्टेंस लगे हुए रहते हैं। मिडल बर्थ, अपर बर्थ और साइड अपर बर्थ पे जाने के लिए एक सीढ़ी दी गई है, उस सीढ़ी के थ्रू आप अपने बर्थ पे जाके आराम से सो सकते हैं। और थर्ड एसी कोच में जो सीट्स हैं उसके साइड में वाटर बॉटल होल्डर्स रहते हैं, जहाँ पे आप अपना पानी का बॉटल्स भी रख सकते हैं। थर्ड एसी कोच हो या फिर फर्स्ट एसी कोच हो, इसमें कोच अटेंडेंट रहते हैं जो कि यात्रा के दौरान आपकी हर प्रकार की सहायता करते हैं। वहीं पे थर्ड एसी कोच में टोटल चार वॉशरूम दिए गए हैं। और बात करें फर्स्ट एसी, तो फर्स्ट एसी कोच में भी टोटल चार वॉशरूम रहते हैं, बट फर्स्ट एसी में खास सुविधा ये है कि उसमें बाथरूम भी रहता है, तो यात्रा के दौरान आपको अगर नहाना हो तो आप नहा सकते हैं। बट थर्ड एसी कोच में ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई है, ये सिर्फ फर्स्ट एसी कोच में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को दी जाती है। बात करें साफ़ सफाई की, तो जो ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ है रेगुलर इंटरवल्स पे आके थर्ड एसी कोच या फिर फर्स्ट एसी कोच की साफ़ सफाई किया करते हैं। और यात्रा के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप रेल मदद ऐप पे कंप्लेन कर सकते हैं। वहीं पे बात करें किराए की, तो थर्ड एसी का जो किराया होता है फर्स्ट एसी से कम रहता है। फर्स्ट एसी का जो किराया है थर्ड एसी से लगभग ढाई से तीन गुना ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो एकदम कंफर्ट रहता है उसमें। उसमें आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, कोई आता जाता नहीं है, किसी को अलाउड नहीं है फर्स्ट एसी कोच में एंटर करने को विदाउट वैलिड टिकट। इवन वेटिंग वालों को भी फर्स्ट एसी कोच में एंटर करना अलाउड नहीं है। थर्ड एसी और फर्स्ट एसी कोच सारे प्रीमियम ट्रेन्स जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस में है, और थर्ड एसी कोच सारे मेल और एक्सप्रेस ट्रेन्स में लगे होते हैं। बट फर्स्ट एसी कोच सारे मेल और एक्सप्रेस ट्रेन्स में नहीं रहते हैं, कुछ ही ट्रेन्स में आपको फर्स्ट एसी के कोच मिलेंगे।
वहीं पे बात करें थर्ड एसी कोच की प्राइवेसी की, तो इसमें कुछ प्राइवेसी नहीं रहता है क्योंकि ये पूरा ओपन रहता है, तो कोई भी आते जाते रहता है, इवन बाहर के वेंडर्स भी थर्ड एसी कोच में आ जाते हैं। और फर्स्ट एसी कोच में आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से मेंटेन रहती है क्योंकि यात्रा के दौरान आप दरवाज़ा बंद करके आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप चार फैमिली मेम्बर या चार फ्रेंड साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो कैबिन में टिकट बुक करके आराम से ट्रैवल करें, और अगर दो पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, कपल ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो कूपे में बुक करके टिकट आराम से ट्रैवल करें, जिससे कि आप कंफर्टेबली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो दोस्तों, क्या आपने कभी फर्स्ट एसी या थर्ड एसी कोच में ट्रैवल किया है, और अगर किया है तो आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।